इनका मैंने मेरे को लॉस हो गया क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा मेरे को आना पड़ा। हाँ मोटो ब्लॉग करता है, घूमता है, रैपिडो ब्लॉग भी करता है, सब करता है हम सब में हम। सो आज का जो मेरा कमाई है, सो हेलो दोस्तों, तुम सभी लोगों को मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल का नाम है कोलकाता सिटी राइडर, मेरा नाम है बीजू और मैं बहुत ही जल्दी में हूँ क्योंकि मैं आया तो था यहाँ पे ऑफिस का काम से, लेकिन ऑफिस का काम ख़त्म करते ही मेरे को मिल चुका है एक नया भाड़ा, तो मैं उसी को पिकअप करने जा रहा हूँ। और कुछ भी सेटअप नहीं था, मैंने अभी खड़ा खड़ा सेटअप सारा किया, तो पता नहीं आवाज़ सही तरीके से आ रहा या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मेरा किस्मत, आ रहा तो बहुत बढ़िया। पहले तो भाई पिकअप करते हैं इनको क्योंकि मैसेज कर रही है और वो भी एक लेडी है और लगता है यही है। नहीं नहीं आईडी नंबर 5796। ठीक है कोता है दीदी, ड्रॉप लोकेशन लोकेशन बेहला। ठीक है हाँ हाँ बोसे जान चली 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 चली। हाँ वो कैस्टो पूरे फ्लाई ओवर तो हाँ। ठीक है ठीक है। और मैं पिछले एक हफ्ता से कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर रहा था, ना कहीं जा रहा था और ना ये पार्ट टाइम ओला उबेर कर रहा था, क्योंकि अभी हम लोगों का ऑफिस का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो चुका है। सो अभी इसके वजह से मैं, मेरा जो शेड्यूल है वो पूरा उल्टा पुल्टा हो गया, तो उसको ठीक कर रहा हूँ। अगला 1-2 हफ्ता के अंदर में वो ठीक हो जाएगा। और अभी सब घूमने जा रहा है तो उसके लिए भी ऑफिस का जितना स्टाफ है सबसे एडजस्ट किया जा रहा है, क्योंकि सब छुट्टी ले लेके जा रहा है तो उसका जगह पे हम लोगों को काम करना पड़ रहा है, नहीं तो कोई उसके जगह पे है ही नहीं। इसके लिए वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। सो कोई बात नहीं, एक हफ्ता तुम लोग बर्दाश्त कर लो, उसके बाद तो बंदा हाजिर है तुम लोगों का खिदमत करने के लिए। खैर एक अच्छी बात है कि भैया थोड़ा सा छुट्टी अब ज़्यादा मिलेगा तो मेरे को घूमने का मौका मिलेगा और तुम लोगों को भी नया नया जगह देखने का मौका मिलेगा। तो तुम लोगों को करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन दबा देना है, बस बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। दोस्तों ये है बेहाला। सो मैंने मैम को छोड़ दिया उनका लोकेशन पे और मुझे अभी दूसरा कॉल भी मिल चुका है जो यहीं पास में है, 700 मीटर से पिकअप करना है और दोनों का दोनों उबेर पे ही मेरे को काम करने का मौका मिला मेरा आज। और अभी इनका जो हुआ था मैम का, वो मेरे को वहाँ पे दिखाया था 248 दिखाया था और मुझे मिला है 231 रुपया मिला है मुझे। तो जो उबेर ने काट लिया अपना जो चार्जेस है उसके बाद 231 रुपया मुझे मिला है। अरे लोकेशन तो यहीं पे दिखा रहा है, कहाँ पे है भैया, आ जाओ नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, देखता है फ़ोन करके। बोलो भाई 1 1 1 2 2 1 1 2 3। वाह वाह क्या नंबर है भाई। चलो भाई लो, हाँ ज़रूर क्यों नहीं, जो लाइन दो, ऑन दो ऑफ दो सब चलेगा, हम लोगों को तो इधर ही जाना है ना। हाँ मोटो ब्लॉग करता है, घूमता है, रैपिडो ब्लॉग भी करता है, सब करता है हम सब में हम। चले भाई चले चले उधर से घुमा ले पहले। चलो भाई तो जाएगा जादवपुर जो यहाँ से 7.5 किलोमीटर है। और आज का जो टारगेट है वो कुछ नहीं है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। जो पहला जो मेरा वीडियो था उसमें अगर हो जाए, जैसे 500 रुपये का हम टारगेट रखता है वैसा हो जाए तो अच्छी बात है, और उससे ज़्यादा हो जाए तो भी अच्छी बात है। सो आज का कोई टारगेट नहीं है, आज जितना हो सकता हो जाए। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 9:50, सो मेरा टाइम 1 बजे तक घर पहुंचना है, उस बीच में देखता है कितना होता है। चलो भाई को भी छोड़ दिया है,
और मुझे मिला है 78 रुपया दिखा रहा था लेकिन मुझे मिला है 75 रुपया कुछ 83 पैसा मिला है। सो ठीक है, अभी तक तो ठीक ही जा रहा है। और ओला में एक भाड़ा आया था लेकिन वो कैंसिल कर दिया खुद से, तो अभी फ़िलहाल तो मैं खाली हूँ और आगे जा रहा हूँ। लेकिन 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 मुझे अभी करना है सुसू, तो कहाँ करूँ मैं? बड़ा मुश्किल होगा यार, रात होता तो कहीं पे भी कर देता। ये जो मैं ओला उबेर करता हूँ इसमें जो मेरा पहले वाला वीडियो उसमें ये क्या नाम है क्वेश्चन आया था कि भाई मेरे पास पैशन है और आपके पास 160 या पाची आपको पुसाता है कि नहीं। तो देखो भाई, मैंने पहले भी बोला है अभी भी बोल रहा हूँ वीडियो में कि मैं पार्ट टाइम करता हूँ। मैं जब बाइक राइड करता हूँ या मुझे कहीं घूमने जाना होता है तो मैं उस चीज़ को इसमें से खर्च निकालता हूँ, तो वो जो है मेरे को थोड़ा सा फाइनेंस में हेल्प हो जाता है ये ओला उबेर करने से। कि मेरे को मतलब समझ लो कि होटल भाड़ा जहाँ मैं राइड करने जाता हूँ, होटल भाड़ा और पेट्रोल खर्चे, ये सब कम से कम थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। इसके लिए मैं ओला उबेर पार्ट टाइम करता हूँ। सो मेरे को तो पुसा जाता है। अभी तुम लोग अगर इसको फुल टाइम करने की कोशिश करोगे तो मेरा जो रिकमेंडेशन है कि नहीं, अभी नहीं, इसको तुम लोग पार्ट टाइम ही रखो और कोई छोटा मोटा काम करो जिसमें सैलरी मिलता हो, क्योंकि वो फिक्स रहेगा तो आने वाला कोई भी मुसीबत में वही काम देगा। इसका तो भाई कोई माँ बाप है नहीं, तो भाई एक सैलरी वाला काम तो ज़रूर हाथ में रखो ही रखो, इसको करने का अगर मन है तो। इसको हमेशा पार्ट टाइम पे ही रखो। अभी मेरे को तीसरा कॉल भी मिल चुका है और ये मिला है ओला की तरफ से, यहीं पे है 900 मीटर। और अच्छी खबर है कि मेरा सुसु हो चुका है, तो मैं इसको फटाक से पिकअप करता हूँ। हालांकि इसका फ़ोन आ चुका है कि भाई कहाँ पे हो तुम, पहले बता दिया भाई 5 मिनट लगेगा, तो अभी जा रहे हो उसको पिकअप करने के लिए। और ये इनका जो ड्रॉप लोकेशन है ये भी शायद भवानीपुर के तरफ में है, देखता हूँ। बैठ जाइए बैठ जाइए, हेलमेट लगा लीजिएगा नहीं तो निकल जाएगा। लॉक कर लीजिएगा हेलमेट, बोल रहे हेलमेट को लॉक कर लीजिएगा नहीं तो खुल जाएगा, गिर जाएगा। हाँ, इनका भी 7.5 किलोमीटर है, 26 मिनट दिखा रहा है पहुँचने में। सो अभी ये भी वही गली गली से ही लेके जाएगा मेरे को। अभी का जो कहानी है इनको भी मैंने छोड़ दिया है और थोड़ा देर मैंने यहाँ खड़ा था, 10-15 मिनट खड़ा था लेकिन कोई कॉल आया नहीं, तो हम आगे बढ़ रहा है। और इनका जो किराया हुआ था वो हुआ था 92 रुपीज़ 25 पैसा और मुझे कार्ड छाँट के मिला 74 रुपया मिला मुझे। सो अभी तो फ़िलहाल पूरा हिसाब किया नहीं कि मेरा कितना अभी तक का कमाई हुआ है। सो अभी और थोड़ा एक आध कॉल अटेंड कर लूँ, उसके बाद मैं हिसाब करने के लिए बैठूँगा। एक कॉल आ चुका है, ये ओला के तरफ से आया, पर इसमें पता नहीं क्यों प्राइस कुछ दिखाया नहीं। फ़िलहाल तो 400 मीटर है इसीलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और अभी पता नहीं कहाँ जाएगा वो भी मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो फ़िलहाल तो चलते पिकअप लोकेशन पे, पिकअप करते हैं। जाची 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 लिवर जे अपना जे माने लोकेशन है जे और लेफ्ट साइड है जे घोरा गोलीटा छे ওখানে পৌঁছে গেছি। अच्छा घोरार आगे, घोरार आगे की नाम की ओनर? सुखदेव मंडल। দাঁড়া না আমি একবার কথা বলি নি, আমার একটু আশঙ্কা হচ্ছে যে উনি নাকি सुखदेव मंडल। हाँ पेची, हाँ 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 बोलून। 8691 ठीक है, एदी के ही तो। हाँ
सो भाई सर अभी बता रहा है कि कोनो रैश ड्राइविंग करवे ना। अरे भैया कहाँ से करेगा, अपना नुकसान कौन करना चाहेगा। खैर फिलहाल 7.5 किलोमीटर इनका भी लोकेशन है खिदीरपुर साइड में, सो इनको भी फटाक से छोड़ते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 11:10। हाँ क्या बात है भाई, सिग्नल भी हो चुका है। सो भैया सर का जो फरमाइश है उसको तो सर आँखों पर रखना पड़ेगा, कोई रश ड्राइविंग कोई ऐसा ऊँचा ऊँची नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो सर बुरा मान जाएगा। के रे तू हो चीनी जमा के, तुम्हारा चीनी जमा के। चलो सर को भी छोड़ दिया है और इनका जो इनका मैंने मेरे को लॉस हो गया, क्योंकि ना 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा मेरे को आना पड़ा, क्योंकि ये खिदीरपुर डॉग है तो इधर एक ब्रिज है और उधर एक ब्रिज है, तो छोटा वाला ब्रिज से दिखा रहा था उधर से मैं आ रहा था, लेकिन उधर अभी खुला पड़ा हुआ है तो वो फ़ायदा नहीं है, मेरे को वहाँ पे रुकना पड़ता अभी बहुत टाइम। इसके लिए मैं फिर से 2 किलोमीटर घूम के जो मेन वाला है वो वाला से मैं आया, और 93 रुपीज़ कितना पैसा भाड़ा हुआ जो मेरे को मिला, 74 रुपया मिला, तो ये मेरे को थोड़ा सा लॉस लगा। खैर कोई बात नहीं है, अब जब ले लिया तो उसे तो काम पूरा करना पड़ेगा, तो इसीलिए छोड़ दिया सर को। फिलहाल तो हो रहा है टाइम 11:44, मैं काम करता हूँ, एक चाय पी लेता हूँ यहाँ पे, चाय और एक बिस्कुट खा लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा भूख। सो भाई तुम लोग भी पानी वानी पी लो, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से चाय वाय पीने के बाद। चाय नाश्ता तो मेरा हो चुका है और चाय बिस्कुट खाने का था, लेकिन बिस्कुट नहीं खाया मैंने, और वहाँ पे अच्छा इडली और बड़ा मिल रहा था तो मैं 2 बड़ा और 1 चाय पी लिया भाई, मस्त एकदम। अभी फिर से रिचार्ज हो चुका है और एक कॉल आ भी चुका है जो है ओला के तरफ से, 400 मीटर दूर है। सो ये भाई जाएगा काली घाट, तो अपना घर का साइड में तो लेते चलते हैं। 6570 कोड 6570। हाँ तो काली घाट जाओ ना, यही के ना सो जाओ हो जावे। अच्छा 20 मिनट्स लेटर भाई लोग छोड़ चुका हूँ मैं ये सर को भी, और अभी जो मुझे किराया मिला है वो है इनका हुआ था 87 रुपया और मुझे मिला है 80 रुपये के आसपास, कुछ 79 रुपीज़ पॉइंट कितना पैसा तो है वैसे। और एक 80-90 रुपये का घर की तरफ जाते जाते में मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता तो मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये मेरा लेफ्ट साइड में देख लो गेट है, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ से मेरा घर ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर है, तो मैं और कोई कॉल लूँगा नहीं, और अभी टाइम भी हो चुका है 12:40, तो मैं सीधा घर जाऊँगा। और आज का कितना कमाई हुआ है वो अभी तो मैंने जोड़ा नहीं है, सो घर जाके तुम लोगों को मैं बताऊँगा कि आज का कितना मेरा कमाई हुआ है। A few moments later दोस्तों देख लो मैं घर पहुंच चुका हूं, और अभी तुम लोगों को बताना है कि आज का मेरा ओला उबेर का पार्ट टाइम का कमाई कितना हुआ। तो कमाई जो हुआ है वो ओला से मैंने कमाया था 264 रुपये 65 रुपये के आसपास का है, और उबेर से मैंने कमाया 306 रुपये 99 पैसा। तो ये सारा मैं जब प्लस किया उसके बाद जोड़ घटाव करने के बाद जो मेरा निकल के आया वो है 571 रुपया कुछ पैसा है, वही हुआ है 571 रुपया जो हुआ है मेरा कमाई, उसमें से माइनस कर देना भाई 100 रुपया, तो 100 रुपया माइनस करने के बाद जो बचेगा वही मेरा है, तो 450 रुपये के आसपास का हुआ है, ठीक ही है। और अभी तो 12:50 हो रहा है, तो घर भी मैं सही टाइम पर पहुँच चुका हूँ। तो बस तुम लोग को यही बताना था जो मैं बता चुका हूँ। सो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन जरूर से दबा देना। चलो भाई अभी वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार भाई।